आपका क्वेश्चन है ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, इफ वन ऑफ द डायगनल इज 16 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम रोम्बस बनाते हैं, तो दिस इज आवर रोम्बस। ठीक है ना, तो ये हमारा रोम्बस हो गया। अब हम इसको नेम कर देते हैं, तो आपका है ए बी सी एंड डी। ठीक है ना, तो इसने देखो क्या बात की है, ओनली डायगनल्स की। तो हमने क्या किया, दो डायगनल बना लिए, एक ये और एक ये। ठीक है, तो दीज आर द टू डायगनल्स। तो डायगनल्स आर हमारा क्या है, हम लिख लेते हैं पहले, दैट इज आवर ए सी एंड बी डी। तो ए सी एंड बी डी आर द डायगनल्स। ठीक है नाउ, तो अब आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए रोम्बस की, क्या है, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, फोर साइड्स इक्वल। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो दैट इज योर डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट डायगनल्स मीट एट 90 डिग्रीज। ठीक है ना, अब इसको हम धीरे धीरे देखते हैं। इसने देखो पहले क्या कहा, द साइड इज 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स एवरी साइड इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया ना। इफ वन ऑफ द डायगनल इज 16 सेंटीमीटर, तो हमने ले लिया बी डी को 16, है ना। तो बाय दिस वी कैन से ईच पार्ट आपका कितना हो गया, टोटली 16, ईच पार्ट आपका कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 2। तो आपका क्या आ गया, दिस पॉइंट इज योर ओ, तो आपका आ गया डी ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स, है ना। तो ये आपका आ गया 8 सेंटीमीटर्स। नाउ और थर्ड इज डायगनल्स मीट एट 90 डिग्रीज, दैट मीन्स इट फॉर्म्स अ 90 डिग्रीज हियर। तो अब आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, एनी ट्रायंगल। तो हमने ट्रायंगल ले लिया दिस वन, तो क्या है आपका डी ओ सी, तो ट्रायंगल इज योर डी ओ सी। तो ये आपका यहां पर देखो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स इट विल फॉलो पाइथागोरस थ्योरम। यस, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना दे रखा है इसने, 10, तो 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस, बेस वी हैव टू फाइंड आउट क्योंकि हमको पता नहीं है ओसी, तो ओसी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो हाइट इज 8, तो 8 स्क्वायर, तो कितना हो गया, 10 स्क्वायर इज 100, ओसी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 64। तो 64 को लेफ्ट में लेकर आ जाओ, आपका क्या आ जाएगा, 100 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू ओसी स्क्वायर। तो 100 माइनस 64 कितना होता है आपका, दैट इज योर 36, 36 योर ओसी स्क्वायर। तो ओसी कितना हो गया आपका, रूट अंडर 36, तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो वी कैन राइट इट एज ओसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, दैट मीन्स ओनली अ सिंगल पार्ट, बट एसी फाइंड आउट करना है फुल डायगनल, तो एसी इज इक्वल टू 2 इंटू 6
दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स इज योर सेकेंड डायगनल, और यू कैन से अदर डायगनल, ठीक है।